अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पिछले दिनों ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा था कि कैट इन ब्लेंडर, ब्लेंडर जो जिसमें हम लोग मिल्क शेक और मुख्तलिफ चीज़ों को ग्राइंड करते हैं, ये वो है ब्लेंडर मिल्क शेक वाला। अब एक ये जब से वीडियो वायरल हुई है, पहले तो कहा जा रहा था कि ये एक फेक वीडियो है जिसको एडिट करके बनाया गया है, लेकिन काफ़ी ज़राए से ये चीज़ें कन्फर्म हुई कि ये असल वीडियो है, एक हकीकत पे मबनी है, कोई एडिट इस वीडियो में नहीं किया गया। वीडियो में देखा जाता है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें, क्योंकि जिन लोगों ने भी जिस ताल्लुक जिस भी मज़हब से या जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान ने इस वीडियो को देखा है, बताया ये जा रहा है कि उसकी तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई है। इवन उनकी हालत ये है कि वो ना सो पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं, उनको नींद की गोलियां दी जा रही हैं सोने के लिए। मतलब कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इंसान इतना भी जालिम हो सकता है। मैं कहती हूँ कि हमारे इस्लाम में आप देखें कितनी अहादीस मौजूद हैं बिल्ली को लेके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नमाज पढ़ रहे थे और उनकी कमीज़ के कुछ हिस्से पे बिल्ली आके सो जाती है, तो वो अपनी उस जगह को उस कमीज़ को काट देते हैं कैंची से, उस बिल्ली को उठाते नहीं हैं। इवन इतना तक है कि बिल्ली को रोई के दाने से भी ना मारें। अब देखें रोई का दाना लगता कितना है, वज़न ही नहीं है कोई उसका। तो इतने हकूक़ हैं जानवरों के, परिंदों के और ख़ासकर बिल्लियों के। और पता नहीं किस कदर ये जलील इंसान था जिसने ये एक गंदी हरकत की। उसका मैं सोचती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान हरगिज़ ऐसा काम नहीं कर सकता, कभी भी एक नॉर्मल इंसान इस हद तक नहीं जाता। शायद ये इन लोगों का दिमाग ख़राब है या ये नॉर्मल इंसान नहीं है, और शैतान से भी बदतर ये लोग हैं। मैं कहती हूँ शैतान भी इस किए पर शर्मिंदा होगा जो इंसानों ने अब करना शुरू कर दिया। और मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर मैं यहाँ बैठ के आपको डार्क वेब के बारे में बताना शुरू कर दूं, क्योंकि जब मुझे इस बारे में क्यूरोसिटी हुई थी कि मैं जानूं डार्क वेब है क्या, और मैंने इस पर सर्च शुरू की थी तकरीबन 2-3 साल पहले, तो मैं आपको हकीकत बताऊं, जब मैंने उस बारे में जाना था, उन चीज़ों को देखा था, मेरा लिटरली दिल नहीं करता था कि मैं घर से बाहर जाऊँ कि कहीं मुझे कोई उठा के ना ले जाए, कहीं कोई ये हादसा ना पेश आ जाए। मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं को वो सिर्फ 4-3% है बाकी मवाद का, जो इंटरनेट से अलग दुनिया है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये दुनिया वो नहीं है जितना हम, मैं कहती हूँ हम लोग इतना नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में। अगर आप जानना शुरू कर दें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कभी इंसान भी इतना ज़ालिम हो सकता है, कभी इंसान भी ये काम कर सकता है, वाकई कर सकता है इंसान। क्यों ना आप बताएं हम ये अजाब आए, क्यों ना ये जलजले, ये नागहानी आफात, ये नागहानी आफतें आएँ हम लोगों पे, ये हमारे अपने किए कराए हैं। और आप देखें ये हशर क्या किया गया बिल्ली के साथ। बताया ये जा रहा है कि इस शख्स का जो ताल्लुक़ है वो चाइना से है, और वो उस शख्स ने इस तरह की पहले भी एक हरकत की, उसको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन 2 महीने के बाद उसको दोबारा रिहा कर दिया गया। अब ये वाक़या उसने ये वीडियो उसने अपलोड की, और उस वीडियो में देखा जाता है कि एक बिल्ली को, बिल्ली का बच्चा है छोटा सा, सियाह कलर की बिल्ली है, उसको ब्लेंडर में डालता है वो शख्स बिल्ली को, और ब्लेंडर चला देता है। बड़ा ही दिलखराश वाक्या है, और बिल्ली का सर जो है वो धड़ से जुदा हो जाता है, और वो बाकी जो उसका हिस्सा है वो ओवन में रख देता है। ओवन में रखने के बाद वो उसको, मतलब आप सोच नहीं सकते कितना खौफनाक वाक्या है ये, दिल दहल जाता है कि इंसान भी इस हद तक जा सकते हैं। खैर जिस भी इंसान ने ये चीज़ें देखी हैं और जो देख रहे हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप हरगिज़ ना देखें, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान देख सकता है, वो देखने के काबिल नहीं है। और इवन सोशल मीडिया से इन चीज़ों को डिलीट कर दिया गया है, भारी मकदार में लोगों ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। 4-5 दिन ये ट्रेंड चलता रहा, और मैंने ज़रूरत समझी कि आप लोगों को लाजमी इस चीज़ से आगाह करना चाहिए कि असल कहानी क्या है, कितनी हकीकत है इसमें। खैर पता नहीं ये लोग किस ज़हनियत के मालिक होते हैं, और इंसान मेरे ख़्याल से इंसान कभी भी, जो एक इंसान होगा वाकई इंसान होगा, वो ये हरकत कभी नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।